Today we are going to start the new chapter that is chemical equilibrium. Okay, chemical equilibrium last वाला chapter था solution chemistry का. Solution chemistry में आपने properties of liquid देखा. Solution chemistry में आप लोगों ने properties of liquid देखा. ठीक है कि उसमें viscosity, surface tension, refractive index, backward movement के liquid की क्या क्या properties होती हैं. उसके बाद solution की जो colligative properties थी जो डिपेंड दैट आर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रही थी और सॉल्वेंट पर डिपेंड कर रही थी दैट वर वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर ये चार कोलिगेट प्रॉपर्टीज थी जो सॉल्यूशन की बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये भी डिस्टर्ब होती है अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट डिफरेंट नेचर के हों और वो किस तरीके से थे कि अगर नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल सॉल्यूट में मिक्स कर दिया जाए तो उसका वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट होता है ये सारी चीजें थी सॉल्यूशन केमिस्ट्री. आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है और उसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम. अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है ये आप लोग एफएससी में डिटेल से पढ़ सकते हैं. ठीक है वही कॉन्टेंट है हर चीज वही है बस थोड़ी बहुत डिटेल इसमें हम ऐड करेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है. इनिशियली द केमिकल इक्विलिब्रियम टर्म जो है वो इनिशियली नहीं रिकॉग्नाइज हुई थी. इनिशियली जो टर्म यूज की जाती थी दैट वाज एफिनिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन. ये केमिकल रिएक्शन की एफिनिटी क्या है कैसे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है रिएक्टेंट कैसे एक दूसरे से कंबाइन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं कि उनकी एफिनिटी क्या है. तो इस एफिनिटी को डिस्क्राइब